आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान एकनाथराव शिंदे जी, आदरणीय नितिन जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और इस प्रकल्प के संरक्षक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील मनोहर जी, श्रीमान शैलेश जोगळेकर जी, डॉक्टर पाठक जी और इस सारे प्रकल्प के खड़े करने में लगे सभी मंचस्थ उपस्थित मान्यवर, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी ना कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा यह बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था, उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि यह पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा, परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है वो संघ के स्वयंसेवक ही जाने। पटना में था तब, वहां पर एक विमान गिर गया बस्ती में ही आके, कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को, तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे, उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत, और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी, तो वहाँ मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हैप पैंट पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा। तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर, मैं वहाँ था उस समय, तो मुझे बहुत कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। ऐसा ही आज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि इस प्रकल्प के पीछे संघ खड़ा है, लेकिन संघ खड़ा क्या है, करने वाले संघ होकर काम करते हैं तो अपने आप संघ उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और स्वयंसेवक के टीम वर्क का एक उत्तम उदाहरण, इस नाते मैं इसको देखता हूं। इस प्रकल्प को डॉक्टर आबाजी थत्ते का भी नाम दिया गया है और उनका एक रेखा चित्र भी अंदर लगाया गया है। अब कोई अच्छा नाम अपने भावनिक संबंधों के कारण अथवा उस व्यक्ति के अपने गुणों के कारण
अथवा प्रसिद्धि के कारण ऐसा देने की पद्धति तो है ही, परंतु जिनका नाम दिया उनके वृत्ति का पूरा प्रतिबिंब ऐसे प्रकल्प में मिलता है, ऐसे उदाहरण थोड़े होते हैं। अपना ये प्रकल्प आबाजी थत्ते का केवल नाम नहीं लगाता, उनके वृत्ति का परिचय अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में देता है, क्योंकि डॉक्टर आबाजी थत्ते यद्यपि डॉक्टर थे, प्रैक्टिस की नहीं, वो प्रचारक ही रहे, और एक दो साल के बाद ही उनके पास पूजनीय गुरुजी के साथ रहने का और दायित्व आया। वो पूजनीय गुरुजी के निर्वाण तक उनके साथ रहे, बाद में अनेक वर्ष पूजनीय बाला साहब के भी स्वीय सचिव रहे, और डॉक्टर होने के खाते नाते मुख्य काम उनका उनके स्वास्थ्य की चिंता करना रहता ही था। परंतु उनके साथ प्रवास करते करते संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक परिवारों में उन्होंने अपने अकृत्रिम स्नेह के संबंध जोड़े, और वो अपने जीवन के आखिरी तक उनका वो दायित्व जाने के बाद भी उसको वो निभाते रहे। ये जो आत्मीयता है, अपनापन है, जिसमें से व्यक्ति सबकी चिंता करता है, इस प्रकल्प में आते हैं तो उसका अनुभव होता है। और मैं तो घूमता हूँ सर्वत्र, तो यदा कदा हॉस्पिटल शुरू होके अब बहुत समय नहीं हुआ है, परंतु ऐसे प्रांतों में जहाँ से यहाँ लोग आते हैं, वहाँ जाने पर कोई ना कोई मिलता है जो बताता है कि हम वहाँ गए थे, अपने किसी को ले गए थे, या स्वयं मैं गया था। एक बार तो एक घर में भोजन के लिए गया, तो वहाँ पीछे सिक्योरिटी वालों की कुछ गड़बड़ ध्यान में है, पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा वो पास में एक मुसलमान सज्जन रहते हैं, वो मिलना चाह रहे, तो मैंने कहा भाई भोजन करके आ रहा हूँ, बाहर आते ही मिल लूँगा। आया तो एक तरुण दंपति थी, उनके पास एक छोटा सा बालक था। उन्होंने कहा हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने पूछा मुझे धन्यवाद, मेरा आपका तो परिचय है नहीं। बोले नहीं, इसको ब्लड कैंसर हुआ था, हम NCI में गए थे और वहाँ हमको ट्रीटमेंट तो अच्छी मिली ही, दुनिया में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हमको यहाँ नागपुर में घर बैठे कहाँ मिलती अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं होती तो। लेकिन उससे भी ज़्यादा उन लोगों के द्वारा जो धीरज मिला और स्नेह मिला, हम तो मानते हैं कि आधा जादू उसका है, हमारा लड़का पूरा ठीक हो गया। ऐसे बिना पूछे बिना बुलाए लोग आके बताते रहते हैं, तब पता चलता है कि आबाजी थत्ते के नाम के साथ आबाजी के अपनेपन का स्वभाव भी इस संस्था के साथ लगा है। और वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कैंसर पहले शरीर को नष्ट नहीं करता, हिम्मत को नष्ट करता है, और कैंसर को रुग्णों को पहली आवश्यकता उस अपनेपन और हिम्मत की होती है। और ऐसी विचित्र बीमारी है कि वो केवल बीमार को नहीं मारती, उसके पूरे परिवार को तबाह कर देती, उनको भी इस प्रकार की हिम्मत और अपनेपन की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की आश्वस्ति ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल हो जाता है। ये सारी बातें संभल कर यहाँ का काम चल रहा है। और आबाजी की एक विशेषता थी, जो भी काम करते थे वो उत्कृष्ट ही करना, ऐसा कटाक्ष था, किसी से करवाते थे, कोई कर रहा है देखते थे तो उसको भी उत्कृष्टता के नीचे कुछ भी स्वीकार न करने की सलाह देते, और स्वयं वैसा करते थे। इस अस्पताल में पहले से ये प्रण किया है टीम ने कि सबसे उत्तम जो उपलब्ध है वो रुग्णों को मिलना चाहिए, खर्चे का काम है, लेकिन वो खर्चा लेकर भी करना है। गरीब रुग्णों की चिकित्सा निःशुल्क करनी है अथवा बहुत कम शुल्क में करनी है, लेकिन वो सारा खर्चा लेकर करना है, उत्कृष्ट ही करना है, उत्कृष्ट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना। और ये जो काम करते समय टीम वर्क का परिचय दिया है, उसका भी काम है।
क्योंकि अभी तो ये ऐसा खड़ा हुआ है, ये आगे चलेगा, चलना चाहिए उसी प्रकार चलना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। चलता तब रहता है जब एक के बाद एक टीमें उसको संभालती रहती कालांतर में, और जो लोग एक टीम बनकर काम करना जानते हैं वो काम करते करते लोगों का सहयोग लेना और सहयोग में से सहयोगियों को खड़ा करना ये भी जानते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जिस वृत्ति से इसको खड़ा किया गया है उसी वृत्ति से यह अस्पताल आगे तक चलता रहेगा। चलते रहने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य ये एक मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा ये भी मूलभूत आवश्यकता है, और समाज उसके बारे में अब शिक्षित हुआ है, इसलिए सब लोग स्वास्थ्य और शिक्षा चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो करना है वो शासन प्रशासन तो कर रहा है, परंतु अकेले उनके करने से ये गोवर्धन उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है, 148 करोड़ के समाज की आवश्यकता है, और इसलिए समाज की ओर से प्रयास खड़े होने चाहिए। जैसे ये एनसीआई खड़ा हुआ है, वो प्रयास खड़े करते समय आवश्यकता जिनकी है, जिनके लिए प्रकल्प है, उनको ध्यान में रखकर सारी बातें होनी चाहिए। जैसा इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेकर तो यहां चलने वाले उपचार तक सब बातों में ध्यान में आता है, और इसमें सबका सहयोग भी चाहिए, वो हमारा जिम्मा है। यह प्रकल्प बहुत परिश्रम करके, बहुत साहस करके, उत्तम टीमवर्क को करते हुए परिणाम तक लाया गया है और आगे भी चलेगा। इस प्रकार का बीजारोपण यहां पर हुआ है, प्रेरणा से प्रामाणिक रहकर जिनकी सेवा करनी है उनको केंद्र में रखकर उत्तम से उत्तम सेवा उनको दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है, हम सबको उसका आनंद है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि हम सब लोगों का दायित्व है कि इसमें कई बातें हमको भी करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। यहाँ तो प्रयत्न हो रहा है, अभी बात चल रही थी कि और रेट्स कैसे कम किए जा सकते हैं, वो तो प्रयास होगा ही, परंतु आखिर उपचार की जितनी कीमत है वो तो वो खर्चा होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जिनकी क्षमता नहीं है उनको निःशुल्क चिकित्सा देना, कम खर्चे में उनका काम करना, इसके लिए कुछ अधिक धन की आवश्यकता रहेगी। कौन देगा? समाज देगा। एक बार हॉस्पिटल खड़ा कर दिया तो इस टीम का काम समाप्त नहीं होता, वो चलते रहना चाहिए, ऐसी उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे एक बार हम सब लोगों ने हाथ लगाकर इस हॉस्पिटल को खड़ा कर दिया, जिन जिन के हाथ लगे हैं उनके भी, और अभी तक जिनके नहीं लगे उनके भी, उनको ये सोचना चाहिए कि इसको चलता रखने के लिए भी आगे अपने हाथ लगते रहे। जो धन की मदद कर सकते हैं वो धन की मदद करें, जो प्रत्यक्ष समय दे सकते हैं वो प्रत्यक्ष समय दें। यहां शोध संस्थान चलेगा ही, उससे उपचार की कीमत कैसे कम की जा सकती है, अन्य पैथियों का सहाय लिया जा सकता है क्या, किस प्रकार से लाइफस्टाइल से संबंधित बातें भी यहां जोड़ सकते हैं, जोड़ ही रहे कुछ ना कुछ, ऐसा विचार किया जाएगा, और प्रत्यक्ष शोध करके भी चिकित्सा का व्यय कम करने पर भी संशोधन होगा।
परंतु इस सारे प्रयास में हमको सतत चलना है, सबको सतत सहयोगी बनकर चलना है। कुछ लोगों की टीम ने किया तो कितना बड़ा खड़ा हो गया ये हम देख रहे हैं। हम सब लोग अगर इसकी टीम बन जाए तो बहुत आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, समस्या लगता है, वो कैंसर संकट और समस्या तो रहेगा ही, परंतु उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं और संकट आता है तो उसको उल्टा भी सकते हैं। और इसलिए उसको डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो विजयी होंगे, ये विश्वास सामान्य समाज में और कैंसर के रुग्णों और उनके परिवारों में भी खड़ा होने में देर नहीं लगेगी वो होना, यानी कैंसर नाम की बीमारी का सफल प्रतिकार है, उसके लिए इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है। इस काम में हमको भी सहयोगी बनकर सतत जागरूक रहकर जब जहाँ जो आवश्यकता है तब वो उत्तम प्रकार से पूरी हो सके, ये एक स्मरण मैं आपको दिलाता हूँ। और आज इस संस्था का काम तो पहले से शुरू हो गया है लेकिन इसके पूरे स्वरूप का आज औपचारिक लोकार्पण हो गया, ऐसी घोषणा मैं करता हूँ। और आप सबके तरफ से और मेरे व्यक्तिगत भी धन्यवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और शाबाश भी कहता हूँ। और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ।